नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। खबरों की शुरुआत करेंगे अमेठी से आ रही इस खबर के साथ, जहां बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के रौजा गांव का है, जहां दो बेटों ने घर के बंटवारे को लेकर अपनी ही मां के साथ जमकर मारपीट की। वीडियो में दोनों युवक मारपीट के बाद घर में तोड़फोड़ करते भी नजर आए। वहीं किसी ने इस मारपिटाई और तोड़फोड़ का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, मामले में पीड़ित बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अमेठी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर बुजुर्ग माँ की बेटों ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिसका एक वीडियो बनाया गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में सड़क किनारे बंधे बकरे के पैर पर ट्रैक्टर चढ़ाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व प्रधान समेत लगभग 150 लोगों ने ग्राम रायपुर के दो घरों पर हमला बोल दिया और घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान भीड़ ने घर में खड़ी दो बाइक और एक कार भी तोड़ दी। इसके साथ ही पीड़ितों ने भीड़ पर लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। बता दें, अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी राजू पूर्व प्रधान ब्रजेंद्र सिंह का ट्रैक्टर चलाता है। बुधवार रात राजू ट्रैक्टर लेकर गया था, तभी शंकरपुर में सड़क किनारे मोहम्मद रबील का बकरा बंधा हुआ था और ट्रैक्टर बकरे के पैर के ऊपर से निकल गया। कुछ देर बाद जब राजू ट्रैक्टर लेकर वापस आया तो रबील ने उसे रोक लिया और सुनाने लगा। इस पर राजू ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर वापस रायपुर चला गया और वहां पहुंचकर पूर्व प्रधान ब्रजेंद्र सिंह को पूरी घटना की जानकारी थी। इसके बाद लगभग 150 लोगों के साथ ब्रजेंद्र ने शंकरपुर निवासी मोहम्मद रबील के भाई सबील और आमील के मकानों पर धावा बोल दिया और उनके मकानों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दर्शकों, मथुरा में बीते काफी दिनों से लगातार डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जहां एक ओर लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच एक सुखद खबर ये सामने आई है कि जिले में डेंगू के केस कम हो रहे हैं। मामले में डॉक्टर भूदेव ने बात करते हुए बताया है कि अभी फिलहाल मथुरा में डेंगू नियंत्रण में है, केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आज सिर्फ 2 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम जनमानस से अपील भी की है कि स्वच्छता का ध्यान रखें और अगर आसपास कहीं भी पानी भरा हो तो उसे निकाल दें, अपनी रक्षा करें और दूसरों की रक्षा करने में भी सहयोग करें और अगर जरूरत हो तो स्वास्थ्य विभाग के नंबरों पर कॉल करके इसकी जानकारी दें। एक सेकेंड। देखिए, जनपद मथुरा में हमारे पिछले सप्ताह में केसेज निकले थे, इस सप्ताह में हमारे केसेज में काफ़ी गिरावट आई है। आज भी हमारे केवल 2 डेंगू के केस पॉजिटिव आए हैं, वो भी दोनों पूरी तरह ठीक हैं हमारे। लगातार हम लोगों द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। हमारी मलेरिया की टीम है और हमारा जो सफाई विभाग, जो पंचायती राज विभाग है, उसके सहयोग के साथ काम करके हम लोग इस पर स्थिति पर नियंत्रण काबू में लाए हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करें, मतलब जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो आम जनमानस या मथुराई जनता से यही अपील है कि लोग अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलरों में
साफ सफाई रखें, पानी ना रखें, फ्रिज की ट्रे वगैरह उनकी भी लगातार सफाई करते रहें, और अपने आसपास कहीं भी जल भराव हो तो उसकी सूचना हमारे विभाग को या स्वास्थ्य विभाग को और नगर निगम को दे सकते हैं, ताकि हम वहाँ छिड़काव या सफाई का काम करा सकें। बाराबंकी में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध देवा मेला को लगातार दूसरे साल भी स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि करीब 125 साल से आयोजित हो रहे देवा मेला को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लगातार दूसरी बार मेले को स्थगित होने से श्रद्धालुओं और व्यापारियों के बीच मायूसी देखने को मिली। बता दें यह निर्णय देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। एक स्थानीय व्यापारी ने बताया कि लगातार 2 सालों से मेला नहीं लग रहा है, जिसके चलते हमारी रोजी रोटी का संकट आ गया है। हमारी छोटी सी दुकान है, इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। कोरोना के चलते अब हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेला लग जाता था तो परिवार का भरण पोषण और खर्चा चल जाता था, अब मेला ना लगने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देवा मेला को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते व्यापारियों और वहां के श्रद्धालुओं के बीच काफी मायूसी देखने को मिल रही है। जब से कोरोना काल हुआ है तो उस बाहर से 3 साल से तो मेला लग ही नहीं रहा है। 2019 से वो मतलब इतना ज्यादा स्टॉप हो गया है कि सब टूट चुके हैं, कारोबार से आदमी एकदम बेकार हो चुका है, बस खाली खाना खर्चा चल रहा है। 3 साल में हम लोग तो यहाँ पे परमानेंट दुकान है, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है, दुकान का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। और जैसे मेला होता था साल में 3 बार यहाँ पे, एक बार तो जो विशाल मेला होता है, जो महोत्सव लगता है देवा महोत्सव, वो 3 साल से तो स्थगित कर दिया गया है, और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि स्थगित कर दिया गया मेला, इस बार मेला नहीं होगा। मतलब आला अधिकारियों के अनुशासन से गाइडलाइंस दी जा रही है। अब जितने कारोबारी यहाँ पे आते थे उनकी वजह से बहुत फ़ायदा होता था, उनको भी होता था, और दिगर और भी लोग जितने आते थे, जो जायरीन आए उनको भी होता था, हम लोगों को भी होता था। अब वो गाइडलाइन मेला बंद हो गया तो आदमी आएगा नहीं, जब आदमी नहीं आएगा तो रोजी रोटी पे आ जाती है भाई, चटनी खाना खर्चा कैसे चलेगा किसी का। 2 साल से कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए देवा मेला नहीं लगाया जा रहा, जिससे लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवा मेला पूरे एक ये देवा मेला घोड़ों का नेशनल बाजार होता है, जिसमें मवेशी नहीं आ सक रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही, और व्यापार चारों तरफ से बंद है, क्योंकि मज़ार बंद कर दिया जाता है, मेले में रूम बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि देवा का पूरा व्यापार पूरा तो दुख हो रहा है। गमजदा बात यह है कि ये मेला तो बहुत खास्ता भी होता है, बहुत बच्चे लोग भी सोचते हैं इंजॉय करेंगे, और बहुत छोटा छोटा दुकानदार है, उनका बहुत सारा सेल होता है, कुछ कुछ इंसान इतना है कि ये मेला से उनका घर चलता है, परिवार चलता है। तो मेला ना होने की वजह से दुकानदार का भी कुछ सेल नहीं हुआ है, गरीब भी बहुत यहाँ पे बहुत उम्मीद से रहते हैं कि मेला में हम लोग का भी पेट चल जाएगा, कुछ सामान हमारा भी बिक जाएगा, तो उन लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुआ है, और हम लोग भी बहुत मतलब दुखी है कि काश हो जाता तो हम लोग भी दीदार कर पाते, थोड़ा खुशी हम लोग भी मनाते, तो इसके लिए थोड़ा गमजदा हम लोग सभी है। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के पास एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में मौजूद ड्राइवर ने जैसे तैसे कार से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक गांव पचावर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे अपने गांव पचावर से राया की तरफ जा रहा था, तभी गांव बहादुरपुर में गंग नहर के पास कार में आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और इसका मौका मुआयना किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर चलती गाड़ी में आग लग गई और आग लगने के कारण गाड़ी धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद कार के अंदर सवार ड्राइवर ने जैसे तैसे कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं बरेली में एक स्कूल से अध्यापक की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां एक अध्यापक ने कोचिंग ना पढ़ने पर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। अध्यापक की बेरहमी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे के सर से खून तक निकल आया।
पूरा मामला जिले के निजी नव निकेतन स्कूल का है, जहां के अध्यापक पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि अध्यापक अक्सर बच्चे को उसे ट्यूशन ना पढ़ने पर फेल कराने की धमकी देता था और फिर भी ना मानने पर अध्यापक ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं सर से खून आने पर बच्चा अन्य छात्रों के साथ कोतवाली पहुंचा, जहां को पुलिस ने बच्चे को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं पीलीभीत में आज सांसद वरुण गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहले दिन अमरिया तहसील पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका मुडलिया गौस चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सांसद ने बड़ापुर गुरुद्वारे पर माथा टेका और वहां के जत्थेदार बाबा से मुलाकात भी की। इसके बाद सांसद वरुण गांधी ने अमरिया के ग्रीनलैंड पैलेस में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इसके साथ ही सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश छोटे बड़े अच्छे कामों से बनता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठकर हमें एक हिंदुस्तानी बनना चाहिए और अपने देश का झंडा बुलंद करना चाहिए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से अगली खबर है, जहां किदवई नगर अंतर्गत जूही क्षेत्र स्थित जीपीजी हायर सेकेंडरी स्कूल एक सरकारी स्कूल है, पर स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि स्कूल की इमारत कभी भी गिर सकती है। विद्यालय के जर्जर भवन की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यह इमारत जर्जर है और कभी भी गिर सकती है, पर फिर भी अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से यहां हमेशा कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। तो कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर विद्यालय की छत और इसकी दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन नींद से नहीं जागा है और यहां पर कोई भी मुकम्मल कार्य नहीं कराया गया है। जीपीजी विद्यालय जूही में स्थित है और पुराना विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय था और उसमें छात्र पढ़ते भी हैं। मुझे संज्ञान आया कि उसकी बिल्डिंग कुछ कमज़ोर है और जर्जर भी है। उसकी एक रिपोर्ट डीआईएस द्वारा शासन को भेजी गई है। मैं डीआईएस से जो जिला विद्यालय निरीक्षकों से बात करके शासन पर वो किस स्तर पर लंबित है, उसमें क्या आवश्यक कार्रवाई हुई है या क्या अभी होनी बाकी है, उसमें प्रयास करता हूँ और बच्चों की जान माल को नुकसान ना हो इसके लिए उसका बनना भी आवश्यक है। मैं इस पर जो भी हमारे इस स्तर से कार्रवाई होगी उसको मैं करूँगा और स्थानीय स्तर से भी उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वो बच्चों के पढ़ने योग्य है कि नहीं है, यदि नहीं है तो इस पर भी शासन को और सबको संज्ञान लेना चाहिए, उन बच्चों को अलग स्थानांतरित करना चाहिए। मैं इसको भी एक बार दिखवा लेता हूँ और चेक करवा लेता हूँ कि मानक के आधार पर वो बिल्डिंग बच्चों के पढ़ने योग्य है कि नहीं है। अब सर यही है कि कभी प्रबंधक जी के द्वारा देखा नहीं गया स्कूल में, बिल्डिंग ख़राब है, न लाइट है, जब मैं आया था तब भी यही स्थिति थी और ये दीवार भी उसी वर्ष पीछे की गिरी हुई है। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जर्जर अवस्था में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर जी रहे, जी हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी है। सर जिम्मेदारी तो इसकी वजह प्रबंधक तंत्र की जिम्मेदारी है, अब हम लोग कहाँ से इसको करें, अगर प्रबंधक के द्वारा अनुमति मिले तो कुछ हम लोग करें। शिकायत सर हर जगह की, प्रबंधक जी से भी, जिला लेवल के अधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक इसकी शिकायत माननीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा की गई और डर इतना ज़्यादा लगता है बच्चों को लेकर, तो रिस्क है, खुद की जान का भी रिस्क है। कई बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल में हैं और जिनको इस समय क्लास में होना चाहिए, पर वो इस डर से नहीं आ रहे हैं, उनके माता पिता नहीं आने दे रहे हैं, कुछ बच्चे खुद भी नहीं आ रहे हैं कि किसी भी समय भवन गिर सकता है और ऐसी विशेष समय महत्वपूर्ण है उनके लिए, पर फिर भी वो आ नहीं पा रहे हैं, कोचिंगों के सहारे हैं, यहाँ टीचर्स आते हैं फिर भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। अरे ये तो एक बार गिर चुका है हमारे घर में, पूरा का पहला बार था, ये टूट चुका है एक बार, उन्होंने अपना मलबा उठा लिया, हमारे घर टूट गया तो फिर उसके बाद कर्जा लेके हमने घर बनवाया है, इन्होंने क्या किया कुछ नहीं, कहो तो कहते हैं हाँ गिरवा देंगे, टूटवा देंगे, कुछ करते नहीं है। शिकायत वगैरह कहीं? शिकायत हमने इन्हीं लोगों से की है। फैमिली इश्यूज है कि मम्मी पापा पैसे नहीं दे पा रहे, इसलिए हम सरकारी स्कूल में पढ़, प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं दे पाते, सर से भी बोला है लेकिन क्या कर सकते हैं। डर लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं। वहीं सहारनपुर में शिवालिक बैंक कर्मचारी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए माटकी निवासी एक बैंक कर्मचारी के संपत्ति को सील करने के आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद शिवालिक बैंक अधिकारियों व सर्किल के चारों थानों की फोर्स ने बुधवार को गांव माटकी पहुंचकर एक महिला बैंक कर्मचारी की संपत्ति को कुर्क कर दिया है।
न्यायालय के आदेशानुसार जब तक बैंक से जुड़े मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक महिला बैंक कर्मी की संपत्ति को बैंक अपने कब्जे में रखेगी। मामले में महिला कर्मचारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में और भी कई कर्मचारी घोटाले के जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैंक मेरे ऊपर कार्रवाई करके अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाना चाहता है। फिलहाल मेरे खिलाफ हो रही है, लेकिन इन लोगों ने मेरे से पहले भी बहुत लोगों के खिलाफ ये किया है, लेकिन गुंडों को ये लोग साथ रखते हैं। ये पुलिस को साथ लेके यहाँ आए हैं, वो सबको दिख रहा है। आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आपके आपके ऊपर जो जो जिस तरह से बहुत सारी कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने एटीएम फाड़ रखा है। शिवालिक बैंक के खिलाफ और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लोग गांव-गांव से पहुंच रहे हैं थाने में। लोग ऐसे ही करते हैं सर, इन लोगों ने हमें बिना बताए समूह के सदस्यों के अकाउंट बंद कर दिए। नहीं, लेकिन जो गांव से पैसा आपने लिया आगे जमा नहीं कराया, ये उस बारे में है सर जी। सचिन कश्यप, आप सचिन को देते थे, सचिन आगे देता। सचिन कश्यप इकट्ठा करके ले जाता था, उसके साइन है, कस्टमर की कॉपी में साइन है, मेरी कॉपी में साइन है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे राजपूत कर्णी सेना के संरक्षक लोकेंद्र कालवी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मां पन्नाधाय के नाम पर मातृ दिवस मनाने की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने दोनों समाजों में भाईचारे की बात भी की है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का वंशज हूं और मेरे खून में गुजरी मां पन्नाधाय का दूध है। उन्होंने कहा कि दोनों समाज एक हैं और भाईचारे की मिसाल है। तो ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं कालवी साहब, राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर कहा है कि गुजर और राजपूत एक ही समाज से आते हैं, दोनों एक हैं। कालवी जी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, और इसके साथ ही उन्होंने बयान दिया है कि दोनों समाज के लोग दरअसल एक ही हैं, दोनों को भाईचारे की मिसाल देनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे खून में गुजरी माँ पन्नाधाय का दूध बहता है। प्रशासन ने मुझे वैसे गिरफ्तार भी कर लिया था परसों के दिन 48 घंटे बाद में। कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी लोगों से ये चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारी अभी कोई भूमिका नहीं है। बहुत बड़ी बातें हैं कल मुख्यमंत्री ने कर दी, मैं भी बतिया क्योंकि ये स्पष्ट हो गया तो फिर गुजर सम्राट को नहीं हो सकते। सम्राट में खुद के तौर पर जो श्री राजपूत कर्णी सेना और सभी सामाजिक संगठनों ने मिले और उसी को कुछ संगठित करने के लिए यहाँ उपस्थित होने का कारण बना था। 3 दिन पहले मैं महाराणा प्रताप का वंश, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है और मैं इसको गर्व महसूस करता हूँ कि पन्नाधाय नाम से वो गुजरी का दूध हमारे खून में। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय को अगर किसी ने बचाया तो पन्नाधाय, और अब अगर कोई सामाजिक तौर पर कोई भी द्वेष अगर पैदा होता है तो एक कौन जीता कौन हारा में संघर्ष में नहीं पड़ता। वहीं कानपुर देहात में दबंगों ने एक बीज भंडार मालिक को उधारी के पैसे वापस मांगने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक राजपुर थाना क्षेत्र में एक बीज भंडार की दुकान है जिसका संचालन अरुण कटियार करते हैं। अरुण कटियार ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मेरी दुकान के सामने न्यू बालाजी बीज भंडार की दुकान है जिसका संचालन अनुज कटियार नामक युवक करता है। अरुण कटियार ने बताया कि अनुज कटियार अपनी दुकान का सामान मेरी दुकान से लिया करता है। उन्होंने बताया कि अनुज ने उनसे 25,000 का सामान उधार लिया था जिसके पैसे मांगने पर उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मेरी दुकान है न्यू बालाजी बीज भंडार के नाम से। मैं 6 साल से लगभग यहाँ दुकान चला रहा हूँ। मैं रहने वाला प्रॉपर शिवराजपुर कानपुर नगर का हूँ, वहाँ से मैंने यहाँ व्यापार शुरू किया और यहाँ पर आ करके हमने इनको उधार मटेरियल दिया। 4-5 साल से इन्होंने उधार मटेरियल लिया, कई बार पैसा मांगने पर इन्होंने उधारी पैसा दिया नहीं और आकर दुकान पर लड़ाई झगड़ा किया, हमको गाली गलौज दिया, मारपीट हमारे साथ की, जिसमें हमको भी चोटें आई, हमारे भैया को बहुत ज़्यादा चोटें आई। और इसके बाद कुछ लोग आ गए तो बीच बचाव किया, उसमें बच गए हम लोग, नहीं तो भैया की तो जान ही ले लेता। गर्दन दबा के अच्छे से पकड़ा था, जिसका हमारे पास वीडियो फुटेज भी है और फोटो भी हैं। बरेली में भीम सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसके साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ने बरेली पुलिस के आला अधिकारियों के लिए भी अपशब्द बोले हैं।
बता दें भीमसेना के बरेली जिला अध्यक्ष बंटी पर पुलिस की कार्रवाई से भड़की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से लेकर बरेली के अधिकारियों के लिए तक अभद्र भाषा का उपयोग किया है। वहीं युवती की अभद्र भाषा बोलते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वही युवती है जिसने आला अधिकारियों के लिए, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। भीमसेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष बताई जा रही हैं, जिनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बता दें कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भी दी है। इनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सशस्त्र सीमा बल, गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली तेजपुर असम से चलकर 22 सितंबर को कानपुर देहात पहुंची, जहां स्थानीय विद्यालयों के बच्चों और ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान शहीद जवानों के परिवारजनों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वहीं साइकिल रैली के प्रतिभागियों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो कानपुर देहात का यह मामला, जहां पर साइकिल यात्रा जो थी, जो असम से होकर निकली थी, अब वो कानपुर देहात पहुंच चुकी है, जिसका जोरदार स्वागत किया गया और इसी के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। आज SSB द्वारा साइकिल रैली निकाली जा रही है। ये रैली असम से शुरू होकर ये दिल्ली राजघाट पर ख़त्म होगी। ये कानपुर देहात के ये 12 टोल के पास स्कूल है, प्रभात एनजीओ कॉलेज, वहाँ से आज हरी झंडी दिखाई गई है। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष होने पर ये साइकिल रैली निकाल रहे हैं। आगे इनके लिए भविष्य की अच्छी उज्जवल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये साइकिल रैली ये तेजपुर से शुरू किया गया है और दिल्ली राजघाट तक जाएंगे, और हमारा कानपुर देहात में हम लोग 9 बजे से बदानपुर में रिसीव किया गया, फिर आगे औरिया टेस्ट हो रहेगी, फिर औरिया से दूसरा बटालियन इनको रिसीव करेगा, फिर आगे आगे चला जाएगा। सर, इसका उद्देश्य क्या था? क्या इसका उद्देश्य जो है, हमारा 75 इंडिपेंडेंस हमारे देश का जो हम इसको मना रही है, और इसका उद्देश्य दूसरा है कि हम लोग जो है एक साथ है। और इसके अलावा जितना भी जो वो साइकिल चला के अपना फिनिश दिखाना चाह रहा हूँ सबको, और सबको एक जो हम लोग को जो बलिदान हुआ है हमारे देश के लिए, इनको इज्जत सम्मान दिया जा रहा है। वहीं गोंडा में दबंगों की दहशत किस कदर बुलंदियों पर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दबंगों के डर से एक परिवार बीते 2 दिनों से भूखा प्यासा घर में कैद है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दबंग पीड़ित परिवार के घर पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं मामले में पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार दबंगों के डर से घर में कैद है। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दबंगों पर कार्रवाई के लिए DM को पत्र लिखा है, पर अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई होते नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अब पीड़ित दंपति ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दबंगों से जान बचाने और न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक दबंग खानपुर गांव के रहने वाले हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला पड़ाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम कृष्ण कुमार कौशल है, मैं रहने वाला नवाबगंज जिला गोंडा UP का हूँ। मेरा नाम सीमा कौशल है, मैं भी नवाबगंज जिला गोंडा से हूँ। भाइयों बहनों, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मैं अपने घर में खड़ी हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ गुंडे लोग हैं जो खानपुर के हैं, अनिल सिंह है, जैसे गौरव सिंह है, अनिल सिंह है, बहुत से लोग हैं उनके साथ, वो लोग प्रधान हैं, वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। हमारे जान मान को बहुत खतरा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। उन लोग के डर से मैं अपने घर में ताला लगा के अंदर बैठी हूँ। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है उन लोगों का। वो लोग एक दिन भी आए थे 2 दिन पहले, हमारे ऊपर हमला भी बोला, उसके बाद उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। छोटी सी धारा 151 लग गई, फिर वो लोग फिर से वो लोग हरकत में। वो बहुत बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं। हमारे सबके साथ में कई बार वो काबिल घटना कर चुके हैं, लेकिन उनके सबके ऊपर कोई FIR नहीं लिखा जा रहा है। हमारा घर बार सब कुछ लूट ले गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, हमारे घर से निकालने के लिए वो लोग धमका रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत तरह से, बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री से वो लोग मिलते हैं, हम लोग गरीब असहाय हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। प्लीज आप ही लोग, आप पूरी पब्लिक, पूरी जनता अगर मेरा साथ दे देगी तो हमारा भला हो जाएगा। हमारे जान मान, हमारे बच्चे, दो है बच्चे हमारे बाहर ही नवाबगंज में हैं।
वहीं आगरा में संदिग्ध वायरल बुखार का प्रकोप लगातार जारी है, जहां पिनाहट क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक बच्चों के वायरल बुखार के चलते मौत हो चुकी है। वहीं अचानक हुई बच्चों की मौत के बाद से ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक ने पिनाहट पहुंचकर संदिग्ध बुखार से हुई बच्चों की मौत को लेकर उनके परिजनों से मुलाकात की। वहीं मोहल्ले में गंदी नाली का पानी भरा देख अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को भी फटकार लगाई और जल्द साफ सफाई के कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को दवा का छिड़काव व गांव गांव स्वास्थ्य कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।